के बीच सेंटर एक पूंछ लटकी, पूंछ पूंछ एक वन वन पूंछ लटकी। हाँ? काओ काओ इज ग्रीन ग्रास, माउथ इज मोहन ले रही पेट भरी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, हाँ? शौचालय की रानी टट्टी। काली टट्टी पीली टट्टी, कभी कभी तो नीली टट्टी। पेट में टट्टी गाँव में टट्टी, चारों लंकू टट्टी टट्टी। है कौन सा जो चैन तो हंगने भी न दे रहा। अरे भज्जी बेटा, बहुत देर रहेगी तो को बाहर को आदा नहीं। बेटा हमें भी टट्टी लगी है। बाहर को का ऐसे याद है, आधी टट्टी निकाल के पहले मैं हक तो लंदो चैन थे तो करा कुने, कभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे बेटा रोक सकते हो तो मैं कब को रोक ले तो रुखी तो ना रही, रुखी तो ना रही। जब तो मैं तेरे पीछे पड़ रहा हूँ, जल्दी लेकर आ। वैसे भी तू स्कूल को लेट है, रहो जल्दी आजा भल लेकर के। मैं कहीं लेट ना है रहा, पर तुम्हारी टट्टी लेट है रही दीखे। वहाँ रुक जाओ थोड़ी देर और, रुक जाओ आ रहा हूँ बस में। कार रुक जाओ, कार रुक जाओ, मेरे दरवाजे पे बैठी है, नोक पे नोक करे जा रही है, निकलने को तैयार है बिल्कुल। ए आजा बेटा लेकर के जल्दी, मेरा भज्जी बेटा ना है तू, आजा आजा जल्दी आजा लेकर के। कौन से दरवाजे पे बैठी है? अपने चूतलंते का दरवाजा लगवा लियो तुमने। मैं बता रहा हूँ भज्जी, फालतू की बात मत करे, जल्दी आजा लेकर के। मैं ना रहा अभी लेकर के, मेरे पेट में दर्द है रहा अभी। एक शर्त पे आ सकूँ भाल लेकर के? जल्दी बता जल्दी बता, का शर्त है तेरी, जल्दी बता। आज जब मैं स्कूल जाऊंगा 100 रुपए देंगे मुँह को। ना दंगो 150, ना दंगो ना दंगो 200। अरे शर्म ना आ रही होगी ना, एक भी शर्म ना आ रही होगी, बढ़ाते ही जा रहा हो, बढ़ाते ही जा रहा हो। शर्म तो मुझको जब आएगी जब मम्मी मोते गई कि तेरे पापा पेंट में हग गए, जब आएगी मुझको शर्म। चला दे जल्दी ले लीजिए मोते, आ जल्दी लेकर के। हाँ यू ही ना बात, यू ही ना बात, पहले मान जाते 100 में, अब ये 200-300 रुपए फालतू गाय को देने पड़ते। अभी आयो लेकर के, जाओ चले जाओ। बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, पापा को आज टट्टी पड़ी बहुत महंगी। चलो जा तू, महंगा बना दूंगा नहीं आज के दिन। पापा की लेटरिंग का हुआ टट्टी में उद्घाटन, पापा को हुआ आराम। बता दूं फिर तो आ गया अभी। पता हो ना कहा लड़का आई। पापा स्कूल जा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। कैसे मांगू पैसा? भज्जी आने वाले होगा पापा, जा रहा हूँ मैं स्कूल। हाँ ठीक है ठीक है, बाइक लेके आ रहा हूँ भज्जी। कैसे बुद्धि सड़की दिखे तेरी? जा रहा हूँ मैं स्कूल, जा रहा हूँ भज्जी आ रहा हो, भज्जी बाइक लेके आ रहा हो, कहनो का चाह रहा हो, वहाँ बात बता। 100 रुपए की कह रहा हूँ मैं, 100 रुपए दे देते तो तेल बिगड़ जाता वहाँ की बाइक में। 50 रुपए तो दऊ तो मैं रोज तेल को। अरे पापा तुम भी जाना, तेल महंगा है रहो तो 50 रुपए का सही सोना लगे ना वहाँ की, मैं 50 रुपए को मैं रोज तेल गिरवाऊँ। अब 1 लीटर 100 के ऊपर पहुँच गो, तुम भी जाना पापा यह बात है तो कभी कभार तो 100 को गिरवा दे करो वाके में, 50 को तो मैं वैसे गिरवा ही दूंगा रोज वाके में। तुम्हें सोचो वो मो यहाँ पे घर पे तो लेने आवे, फिर घर पे छोड़ कर जावे, तो 100 को तो गिरवाना चाहिए कभी कभार वाके में। सही कह रहा है धनुआ, सही कह रहा है, कभी कभार तो गिरवा देना चाहिए 100 का तेल। चल ठीक है फिर, आज 100 को ले जाइयो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। अरे बाहर आवाज मार ले तो भज्जी, तू यहीं आ गो क्यों? मतलब मैंने यहाँ की गलती कर दी? ऐसी बात ना, ऐसी बात ना, मैं कह रहा हॉर्न बजा दे तो बाहर ही, तो मैं बाहर ही आ जाता एक संग ही। खामो खा तू अंदर आ गो, सास के कनपटी पे मार दूंगा, मतलब मैं तेरे घर पे ना आ सकू। देख रहे हो अंकल, देख रहे हो आंटी, अपने छोरा। बुरा मत मान बेटा इसकी बात का, बुरा मत मान, हूँ सही हूँ तो हूँ सही हूँ। तेरा जब मन करे जब आ, जब मन करे जब जा, तेरा ही घर है, अपने घर समझ से। चल भज्जी चल। अरे चल रहे, कहीं आफत ना आ रही, कहीं लेट ना पहुंच रहे हम स्कूल जाके। बाइक है, बाइक लाए हूँ, एक देर में स्कूल पहुंच जाएंगे। ए पापा यहाँ के सामने 100 का नोट ना दे दे, वरना आज मेरी यही थूत छत जाएगी। भज्जी बेटा आज मैं 100 रुपए दे रहा हूँ धनुआ को, 100 का तेल गिरवा लियो। अब तेल भी महंगा है रो, तू भी यू कहते हो कि धनुआ रोज 50 रुपए का तेल गिरवावे, तो आज मैं यहाँ 100 रुपए दे रहा हूँ धनुआ, 100 को गिरवा लियो। बज गई बैंड। ऐसे ही धनुआ, जब ते मैं यहाँ स्कूल ले जा रहा हूँ ना, तब ते आज तक यहाँ 1 रुपए का तेल नहीं गिरवाया मेरी बाइक में, और ना मैंने आज तक यहाँ ऐसे कही कि तेल गिरवाइये मेरी बाइक में। तुम्हारो यू शुरू से ही 50-50 रुपए का चूना लगा रहा हूँ, तुम्हें आज तक पता ही न चली। मो तो यह बात पे आ रही है, तुम पति यू रोज 50 रुपए ले जाओ, 50 रुपए को करेगा। ए पापा अपना लंगो 1 रुपए, पापा अब माफ कर दो, अब माफ कर दो पापा तेरी तो।
बस पापा बस पापा लग गई बस पापा बहुत स्कूल भी जाना पापा बस टूटो बस अंकल रहने दो दो तीन लात और एक दो कोनी और धड़ दो मैं बस छोड़ दा हमारा चूतिया काट तो आ रहा हो एक साल से बड़ा मादर चोर ने काट मार पापा कोई चूतिया बना रहे एक दो साल से आ चल लेट है जाएंगे फिर ए बस कितना घुमना आएगा मान रहे हैं हमने गलती कर दी गलती है यू या बात है तो गलती कह के खत्म कर दे रो हाँ बहुत बड़ी गलती मान ले बहुत बड़ी एक कोनी में नाक टेढ़ी कर दूंगा एक तो अपने बाप का तो मेरा नाम ले लेकर पूरे साल भर पैसा खा पर है और हमें एक रुपए की चीज न खवाई आज तक उन पैसा में थे या तो गलती कह के बात निपटा दे रो तो चल तुग पार्टी दे दूंगा आज ना चाहिए पार्टी और क्या चाहिए फिर तुग सबो तो सेटिंग करा दो जरूर 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 करा दूंगा तेरी सबो तो सेटिंग मेरी बात चल रही है बातें बाकी मैं देख लूं मतलब ये आग उठा के देख ले आज तेरी दोस्ती कम दोस्ती की क्या बात है ये बातें तो चल रही है बातें अभी बनी तो ना हो तेरी सेटिंग देख ले मेरी बन जाता हूँ सेटिंग एक महीना तो पीछे पड़ रहूँगा कि मैं एक महीना थे अब एक दो दिन में बोला चाली हुई है बातें तो बोला चाली तो हुई है जब ही तो कह रहा हूँ मैं तो थे मेरी बात कर ले बातें अब फिर मैं बोला चाली करने की जरूरत ही न होगी डायरेक्ट ही सेटिंग बन जाएगी मेरी तू कह देगा तो बात है क्या चालक की गड़ बन लो देखो तो सही शकल तो देखो यहाँ की मेहनत करे कोई यार और फल और कोई ले बाबा मेहनत कर बहुत बढ़िया तू समझ ना रहा धनुआ तू समझ ना रहा मैं सब बोते कितना प्यार करूं समझ रहा हूँ मैं खूब समझ रहा हूँ और वह पूनम ते कौन प्यार करे पूनम तो मेरी हाफ गर्लफ्रेंड है हाफ गर्लफ्रेंड है तो फुल गर्लफ्रेंड वा मेरी बनवा तो फिर मैं तेरी सब बोते सेटिंग करा दूंगा क्या कह रहा हूँ बोली तेरी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसा कहने की हिम्मत पूनम के बारे में एक शब्द ना सुनू मैं चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना सही सॉरी बोल चल सॉरी न्योदा भज्जी भाई साहब गलती है गई अब मैं पूनम के बारे में कुछ ना बोलूंगा बोले ना बोले दूं एक कनपटी पे सॉरी भज्जी भाई साहब सॉरी बाइक चलाओ बाइक गिर जाएगी नहीं चल माफ कर दे रहा हूँ तो आज के बाद ऐसा मत बोलियो और तू मेरी सबों के बारे में उल्टा सीधा बोल लो मैं मारू तो फिर तेरी सबो अभी तेरी सबो बन गई हूँ तेरी सबो जब बन जाए ना जब कहिए यह बात है मेरी सबो अभी मैं पूनम से कहूंगा ना अभी मैं कहूंगा तू कौन से प्यार करे अभी कहेगी तुम से प्यार करूँ मैं तुम से पर तू सबो तो कहकर दिखा दे ऐसे नहीं तू सबो तो कहकर दिखा दे ना तेरे मुंह पे चप्पल मार फेंक के चले यह बात यही खत्म करो और स्कूल चल जल्दी काटते पहनते लंद मेरी मम्मी मैं थी मान लो तू ऐसी बड़ा बदतमीज लड़का हाथ मारो काटते हम बदतमीज है तू मेरी मम्मी मैं थी मान लो अभी मादत तोद हमें बदतमीज बता लो खा ले दाल मार दंगा मैं तेले बेटा ऐसे बात नहीं करते किसी से याने थात देने दो थीती माली अभी मम्मी माई देते दो थीती माली याने पहनते लंदन यार कोई बढ़िया से स्कूल में दाखिला दे पाओ देखिए बिगड़ रहा तुम्हारा छोरा खाते मुँह बदला हुआ बता लो तू मेरी मम्मी माई थीती ना माल लो देते बेटा बैठ जा गिर जाएगा बैठ जा बेटा दिल दाए दो ना दिल दाए दो चल भज्जी आग लगा छोटा डो नहीं तो तला ले मेरी मम्मी तो पीते खाते तो देख रहा हूँ धनुआ देख रहा हूँ दो बलाल के लड़का ने यही पता लगा लेगी यू मेरी मम्मी में लाइन मार रहे हैं वो तो यूँ लगे यू खेलो खिलाया दिखे इन चीजन में जरूर लग रहा होगा तो कू खेलो खिलाया माने तो मेरी सेटिंग करके छोड़ दी होंगी जो तो कू खेलो खिलाया लग रहा तो बाकी इन सब चीजन की कैसे जानकारी है लाइन का होगा लाइन कैसे मारी जावे वो तो झेड़ ही कह दी झेड़ मेरी मम्मी में तीती मार लम्बी थाते बहनते लंद फाद दन दो वैसे सही भी हो सके तेरी बात सही कह रहा हूँ तू हेलो इना मीना डी का कौन है इना मीना डी का तुम और कौन हो कैसे हम इना मीना डी का ए चलो यह बात छोड़ो यू बताओ तुम एक कोने में कर रही हो बैठी हुई क्या करेंगे हम यहाँ बैठे बैठे तो देख ना रहे हम क्या कर रहे हैं पढ़ने आए और मास्टर को इंतजार कर रहे हैं कब हमें आके पढ़ा हमें धनो यू आवाज आ कहाँ पे रही है पता तुम वो एक ना चल रही कहाँ पे आ रही है यू आवाज ए सब्बो और पूनम तुम्हारी बगल में थे आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा हो तुम्हारी बगल में थे तुम दोनों के अलावा और कोई तुम्हें देख ना रहा पीछे तो यू आवाज आ कहाँ पे रही है
बताओ तो नेक देर में चल जाएगी दो कनपटे पे मार दिए तो। आवाज कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे ना आ रही? अरे अरे धनवा फिराई आवाज फिराई। हाँ मोई भी आ रही है, मोई भी आ रही, पर पता ना चल रही है कौन। मो तो सब और पूनम ही देख रही है पीछे। देखना पूनम देखना, समझा ले अपने आशी का, समझा ले, मैं धर दूंगी दोया के कान पे। मजाक उड़ा रहा मेरा मजाक, फिर तो बाद में कह रहे मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठा रही है। बस भज्जी का बस यू तो बता, पीछे से आवाज आ रही है पर है कौन, बोल कौन रो। मैं बोल रही हूँ, मैं दिख गई ना, दिखी अब, अभी ना दिखी, अभी ना दिखी, थोड़ा और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, जब दिखेगी। अब का पूनम की चांद पे चढ़ जाऊँ, जब दिखूंगी। ए तू काई कुन के बहकाए में आ रही है, यू तेरा चूतिया बना रहे और तू चूतिया बन रही है। तू पूरी दिख रही है, इन दोनों में पूरी दिख रही है, पर तेरी यू खिल्ली उड़ा रहे हैं। बैठ जा रहा हम नीचे। ए कल्लो दिमागे का घर भूली आई, अब दिख रही है, अब दिख रही है, अब दिख गई, अब दिख गई। मॉडलिंग में तो ऐसे आएगी इन लटेंसन में लेकर के, जैसे खुद ही कैटरीना कैफ। उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है, कल्लो अमित रायगर। क्या तू रोकेगा मेरे को? मैं कहीं भी रोकूंगा, तू खूब बहुत फेयर एंड लवली रहेगी ऐसी। सबको सच सच बताइए, सच सच बताइए, जो तू कल फेयर एंड लवली ले गई, यही के लिए ले गई ना, यही ना मंगाई ना? मंगाई का यही ना मंगाई होगी, और जरूरत कौन है फेयर एंड लवली की? हाँ मैंने मंगाई, बता क्या करेगा? करूंगा तुम्हें कुछ ना, मैं तो यू कहना चाह रहा हूँ, तू कितनी भी लगा ले फेयर एंड लवली, पर रहेगी तू ऐसी। खामा खा तू रेट और बढ़वा दे रही है फेयर एंड लवली के, खरीद खरीद के। वो गाना सुनो कल्लन, तन फेरन लवली महंगी कर दी लाला के मर जानी। सही कह रहा ये धनवा, सही कह रहा, तू महंगी करवा दे रही है वह खरीद खरीद के। ओ शांत बैठ जा सर जी, आ गए। हेलो चिल्ड्रन। हेलो यार, के बस हेलो तो समझ में आवे, बाकी बाद में जो कुछ बोले कुछ पल्ले न पड़े। फिर तो अंग्रेज बन जा अंग्रेज, फिर कुछ पल्ले न पड़े, कहा बोल लो कहा ना बोल लो। सही कह रहे हो तुम, मेरे भी कुछ कुछ ही पल्ले पर है। हे हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? फाइन सर। व्हिच आई हैव गिविंग टू रिमेम्बर द एसे? यस सर। रिमेम्बर्ड? यस सर। ए चल का रहो यू, मत सब पूछ का रहे वैसे हमसे। मेरे भी कुछ पल्ले न पड़ रही, का कह रही हूँ उनका समझ में आ रही, जो पीछे बैठी का उनसे पूछ ले। स्टैंड हैंड होम टू रिमेम्बर द एसे? हाथ खड़े कर ले, हाथ खड़ा कर लियो। गुड। सबको यू तो बता दे, हमने हाथ कैसे खड़ा कर रहा है? ए कल जो सर्जन ने गाय को निबंध याद करने को दिया ना इंग्लिश में, वाकी पूछ रहे हैं कौन कौन याद है। गुड गुड, भज्जी स्टैंड अप। ए धनवा का कह रहे हैं मोते यू? बुला रहे हैं तो को। यस सर, यस यस सर, गोइंग टू आपके ढिंग। आई एक्सपेक्ट टू यू टू स्टैंड इन योर सीट। सबो सबो सबो, तू वहाँ काई को चलोगे सर जी? तोते खड़े होने की कह रहे हैं, तोते कह रहे हैं तू यहाँ काई को आगे, मैं तोते खड़े होने की कह रहा हूँ। ओके सर, आई एम बैक टू अपनी सीट और खड़ा हो जाऊंगा अपनी सीट पे स्टैंड अप। तो बाहर बताऊंगा। ओके सर, आई एम बैक टू सीट और अपनी सीट पे खड़ा हो जाऊंगा स्टैंड अप। अल्लन बता रहा हूँ मैं, मोत बड़ा कोई ना होगा फिर। हाँ मैं बता रहा हूँ। प्लीज कम डाउन भज्जी, प्लीज स्टैंड अप। जी सर। जी सर, मैं खड़ा है अपनी सीट पे। यस सर, यस सर। लिसन टू व्हाट यू मिस्ड। या अंग्रेज की क्लास है तो आज के बाद लंगो ही ना, ये तो तगड़ी बेइज्जती कर रहा है क्लास में। सब तोते कह रहे सुना तेने का याद करो। कल्लो इन दांत अंदर कर लो, दांत ही दांत दिख रहे तेरे, यू और कुछ ना दिख रहा। दिखा रही है इन खिप्पा से दांत अंदर, बहुत मलूक लग रहे हैं यू। स्टार्ट लिसनिंग। जी सर, जी सर। तो सर जी, द काउ इज पूरे पूरे इंडिया की माता जी। द काउ फॉर लेग के नीचे दो चार दूध लटके हुए और हमें ताकत ताकत हंग्री हंग्री बनाई। और हाँ, द काउ इज टू आईज, सेम टू सेम हम सब की तरह टू आईज रहने। द काउ इज एनल के बीच सेंटर एक पूंछ लटकी, पूंछ पूंछ एक वन वन पूंछ लटकी। काउ काउ इज ग्रीन ग्रास, माउथ इज मोहम्मेलियन पेट भरे।
द काउ इज ऑल इंडियंस पूजा करिंग भगवान की तरह पूजिंग गॉड गॉड की तरह पूजिंग द काउ इज ऑल कलर्स की मतलब हर तरह के कलर्स में पैदा हो जाती है गाय चितक बरी सी भी पैदा हुई द काउ इज ऑल इंडियंस लव करिंग आई लव यू भी बोल देंग काउ इज अनमोल एनिमल्स हाथ नहीं उठाई अनमोल द काउ पे माँ साहब सो गए बेहोश है के दीख है बेहोश कैसे है इतनी गर्मी भी ना पड़ रही सर जी ऐ ना मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है ना आ रही सर गोइंग टू अपने बेडरूम बेडरूम में जाके सोइंग यहाँ सोइंग अच्छी ना लगी सो रहे हैं कोई सो रही हूँ तेरे ऐसे सुन के बेहोश है गए जरूर जरूर मैंने अपने ऐसे में तो जहर मिला रहा है जो मेरे ऐसे से बेहोश है गई क्या तरीका थे तू ऐसे सुना रहा हो ना वहाँ सुन के हर कोई बेहोश है जाएगा अगर ये मेरे ऐसे से बेहोश हुए तो तुम तीनों क्यों ना हुई तुम तीनों का यहाँ क्लास में इतने जने बैठे हैं कोई सा बेहोश ना हुआ यू ही गए बेहोश हुए मोप अंजाम मत लगा हाँ मोप अंजाम मत लगा लग रही होंगी ना टट्टी वट्टी कमजोरी आ रही होगी यही बार रह गए बेहोश मैं खुद चक्कर आने लगे जब हमें टट्टी लग जाने का मेरा झूठा नाम मत लगाओ हाँ मेरा झूठा नाम मत लगाओ मैंने कुछ ना करो सर जी उठ जाओ सर जी यू खामो खामो बदनाम करी मेरी हिंदी भाषा तुम्हें समझ में आएंगी या मैं इंग्लिश में बात तुमसे करी क्या तरीका के तू ऐसे सुना रहो ना वहाँ सुन के हर कोई बेहोश है जाएगा कुछ पल्ले पर रहो काहे को सो गई हूँ यहाँ ऐसा मुँह तो पूरा ऐसे तो सुन लो पूरा ऐसे तो सुन लो जब ही सो जाइयो जब आराम तो सो जाइयो पहले मेरा ऐसे सुन लो पूरा हाँ जी